मामले दिल्ली में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 1100 से ऊपर दिल्ली में मामले जा चुके हैं और ऐसे में सरकार इस महामारी से निपटने के लिए और क्या कदम उठाएगी, क्या तैयारी है, सुनिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। हमने कई सारे और एरियाज बैठ के हमारी टीम्स ने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे जिनको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया जाएगा आने वाले एक दो दिन के अंदर, और वहां भी बहुत सख्त तरीके से इसको ऑपरेशन शील्ड को लागू किया जाएगा। हम बड़े स्तर के ऊपर सैनिटाइजेशन ड्राइव शुरू कर रहे हैं जिसमें इन सारे एरियाज़ के अंदर, ये एक तरह से रेड जोन्स हैं सारे हमारे जो कंटेनमेंट एरियाज़ हैं, इनके अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर सैनिटाइजेशन, सड़कों के ऊपर सैनिटाइजेशन ड्राइव शुरू किया जाएगा। लगभग 60 मशीनों के द्वारा दिल्ली के सारे कंटेनमेंट जोन्स के अंदर और जो रेड जोन्स होंगे और हाई रिस्क जोन्स के अंदर हम लोग सैनिटाइजेशन का मैसिव प्रोग्राम कल से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आपकी सेहत के लिए हम सब कुछ कोशिश कर रहे हैं, कोरोना से बचने के लिए सब कुछ कोशिश कर रहे हैं, जो भी प्रयत्न हम कर सकते हैं, जो भी दूसरे देशों से सीखने को मिलता है कि ये भी किए जा सकते हैं, वो सभी प्रयत्न हम कर रहे हैं। और आइए इस वक्त से चलते हैं दिल्ली के शास्त्री भवन, हमारे संवाददाता अशोक सिंगल वहां पर मौजूद हैं। अशोक, प्रधानमंत्री मोदी के आदेश के बाद अब मंत्री पहुंच रहे हैं अपने दफ्तरों की तरफ भी, मंत्रालयों की तरफ भी, क्या तस्वीर अभी आप देख रहे हैं? और क्योंकि अब सवाल तो यह है कि आगे क्या होगा 14 अप्रैल के बाद, तो इसे लेकर भी क्या आपके पास खबरें पहुंच रही है, बताएं। हमारे साथ देखिए जय मीनाक्षी, सुबह मंत्रियों ने आना शुरू कर दिया है यहाँ पर। सबसे पहले अर्जुन मुंडा आए, उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर आए, और क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि मंत्रियों को सोमवार से चार्ज लेना है, दफ्तर संभालने है, काम का शुरू करना है, और सुबह सुबह जब अर्जुन मुंडा आए तो हमने उनसे बात भी की। और आप देख सकते हैं कि सदानंद गौड़ा और दूसरे मंत्री आज सुबह सुबह दफ्तर पहुँचे हैं, काम का शुरू कर रहे हैं। सबका यही कहना है कि प्रधानमंत्री ने आदेश दिया है काम शुरू करने के लिए और हम लोग काम शुरू करेंगे। जी मीनाक्षी, बिल्कुल, और ये तस्वीर हम आपको शास्त्री भवन से दिखा रहे थे जहां पर अशोक सिंगल मौजूद हैं और मंत्री पहुंच रहे हैं अपने दफ्तरों की तरफ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि सोमवार से चार्ज लेना है, लेकिन इस वक्त सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि 14 अप्रैल के बाद क्या होगा और सरकार की तरफ से अब इस पर कोई ऑफिशियल सूचना कब तक आती है। लेकिन जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे, प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद जब मंत्री आज दफ्तर पहुंच रहे हैं कामकाज शुरू करने के लिए, तो अर्जुन मुंडा के अलावा किरण रिजिजू समेत कई मंत्री दफ्तर पहुंचने लगे। अर्जुन मुंडा से बात की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। मुंडा साहब, आज आप दफ्तर में, प्रधानमंत्री ने कहा था कि दफ्तर चार्ज संभाले और अपना काम काज शुरू करें। बिल्कुल, आज से हम सब मंत्रालय में पहुंचे हैं, जो वरीय पदाधिकारी है वो सारे वरीय पदाधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सरकार का जो कामकाज है, विभाग का जो कामकाज है, वो कैसे नीचे तक पहुँचे, और इस समय जो कोरोना वायरस के वजह से पूरे देश में लॉकडाउन की वजह से जो समस्याएं एक तरीके से रोजगार के उत्पन्न हुए हैं, उसको हम कैसे समाधान के रास्ते के लिए अपने मंत्रालय से काम कर सकें। नहीं मुंडा साहब, लॉकडाउन बढ़ाने की बात हो रही है, सब अधिकतर मुख्यमंत्री ने भी कहा है, तो लॉकडाउन आपको लगता है बढ़ाना चाहिए और कुछ ढील दी जानी चाहिए? इंडस्ट्री और कृषि की लोग बात कर रहे हैं। यह विषय है, जब समीक्षा होगी सारे स्तरों पर देखा जाएगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। उसमें कुछ चीज़ें जो सामने आई है वो ध्यान देने वाली बात है, और पॉकेट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, उसको विशेष तौर से निगरानी रखी जा रही है, तो कुल मिलाकर के समीक्षा होने के बाद इस पर निर्णय आगे लिया जाएगा।